ದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಾ ಟಿಲೇಜ್ ಕನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಾ ಟಿಲೇಜ್ ದ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಬಾರ್ಡರ್ ದ ಓ ದ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ನಾಚ್ ಗ್ರೋ ರೋ ಆಯ್ ಟೇಕ್ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ನಾಚ್ ಯೆ ಒಬ್ಲಿಕ್ ಲೈನ್ ಹೈ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಕಾ ಟಿಲೇಜ್ ಪೆ ಒಬ್ಲಿಕ್ ಲೈನ್ ಔರ್ ಯೆ ಲೇರಿಂಜಲ್ ಪ್ರೋಮಿನೆನ್ಸ್ ಹೈ ಯೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಕಾ ಟಿಲೇಜ್ ಕೆ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಹಾರ್ನ್ ಹೈ ಔರ್ ಯೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಕಾ ಟಿಲೇಜ್ ಕೆ ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ಹಾರ್ನ್ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಕಾ ಟಿಲೇಜ್ ಕೆ ಊಪರ್ ಹಮಾರೆ ಪಾಸ್ ಹಯಾಯ್ಡ್ ಬೋನ್ ಹೈ ಹಯಾಯ್ಡ್ ಬೋನ್ ಕಿ ಏಕ್ ಬಾಡಿ ಹೈ ಯೆ ಲೆಸರ್ ಹಾರ್ನ್ ಹೋ ಔರ್ ಯೆ ಗ್ರೇಟರ್ ಹಾರ್ನ್ ಹೋ इसके बाद हमारे पास है क्रिकार्ड कार्टिलेज क्रिकार्ड कार्टिलेज के जो इंटीरियर प्रोसेस है वो नेरो है इसको आर्क ऑफ दी क्रिकार्ड कार्टिलेज कहते हैं और जो पोस्टीरियर सरफेस है वो ब्रॉड है इसको लेमिना ऑफ दी क्रिकार्ड कार्टिलेज कहते हैं और लेमिना के जो सुपीरियर प्रोसेस हैं दो वो आर्टिकुलर हैं जो एरेटिनाइड के साथ आर्टिकुलेशन करते हैं इसको एरेटिनाइड आर्टिकुलर प्रोसेस कहते हैं इसके ऊपर हमारे पास है एरेटिनाइड कार्टिलेज एरेटिनाइड कार्टिलेज के दो मेन प्रोसेस हैं एक है मस्कुलर प्रोसेस और एक है ये वोकल प्रोसेस वोकल प्रोसेस और यहाँ पे ये वोकल कर्निकुलेट प्रोसेस के साथ वोकल प्रोसेस क्या होता है का नाम कर्निकुलेट प्रोसेस के साथ आर्टिकुलेट करते हैं ये वोकल प्रोसेस है सब बिल्कुल ये एपिग्लॉटिस है ये एपिग्लॉटिस का स्टेम है और ये ऊपर वाला ब्रॉड जो है ये लेमिना है इसके बाद हमारे पास ये लिगामेंट जो है इसको ट्रिटिकियल लिगामेंट कहते हैं ये लेटरल क्रिकोथायराइड लिगामेंट है और ये वाला मीडियल क्रिकोथायराइड लिगामेंट है सही अब हमारे पास मसल्स हैं क्रिकोथायराइड मसल है ये थायराइड कार्टिलेज के इनर सरफेस से ओरिजिनेट करते हैं और यहाँ पे क्रिकार्ड के फ्रंट पे इंसर्ट करता है और जब इसका फंक्शन ये है कि जब ये कंट्रैक्ट करते हैं तो वोकल फोल्ड जो है टाइटन हो जाते हैं इसके बाद हमारे पास पोस्टीरियर क्रिको एरेटिनाइड मसल ये इसके लेमिना से ओरिजिनेट होते हैं और मस्कुलर प्रोसेस पे अपोजिट मस्कुलर प्रोसेस पे इंसर्ट होते हैं मतलब क्रिस क्रॉस मैनर में तो जब ये कंट्रैक्ट करते हैं तो एबडक्शन होती है वो का दन्ना थे वो तो सो दक्कन जी फोन देने का एबडक्शन होती है वो कहीं लेटरल इसके बाद हमारे पास लेटरल क्रिको थायराइड लिगामेंट इसका फंक्शन ये है कि ये एबडक्शन करते हैं लेकिन बीच में से वी शेप ट्रायंगुलर स्पेस बाकी रह जाएगी और इसके बाद हमारे पास ट्रांसवर्स एरेटिनाइड लिगामेंट मसल्स ये जब कंट्रैक्ट करेंगे तो दोनों एरेटिनाइड लिगामेंट जो है ये आपस में नज़दीक आ जाएंगे और कोई स्पेस हमारे पास बाकी नहीं रहेगी थायराइड कार्टिलेज और हायड मेम्ब्रेन के दरमियान जो हायड बोन के दरमियान जो मेम्ब्रेन है इसको थायरोहायड मेम्ब्रेन कहते हैं सही और इसकी यहाँ पे एक छोटा सा फोरामेन होता है और यहाँ से सुपीरियर लेरिंजियल वेसल्स और इंटरनल ब्रांच ऑफ सुपीरियर लेरिंजियल नर्व पेरिफॉर्म मसल ना पेरिफॉर्म फोसा वोकेलस मसल एक ये वोकल प्रोसेस से ओरिजिनेट करते हैं और थायराइड कार्टिलेज के इनर सरफेस पे इंसर्ट करते हैं और जब ये कंट्रैक्ट कर जाते हैं तो हमारे पास वोकल फोल्ड जो ये रिलैक्स हो जाते हैं और ये पेरिफॉर्म फोसा है ये असल में मस्कुलर फोसा है यहाँ पे सही तरह से डिमोन्स्ट्रेट नहीं हो रहा है।